Hello friends, welcome to I Exam I am Satakshi and I am your English faculty at I exam B. And in this video, we will see that which are the important questions, which questions will definitely come in your uh, exam of SBI CBO, that is Circle Based Officer, right? So here we will see that what to expect in English section, and I will tell you.

we must always know that what is the pattern and also we should always know that what kind of questions came previous year। जब हमें पता होगा जैसे कहते हैं ना कि कभी भी जब भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रेपरेशन राइट यानी कि आप उस काम को स्टार्ट करने से पहले आप तैयारी करो राइट right? तो यहाँ पे तैयारी क्या है वॉट इज योर प्रेपरेशन योर इट इज दैट यू मस्ट नो कि पास्ट इयर्स में कैसे क्वेश्चन आए थे राइट right? और अगर हमें पास्ट का पता होगा तब हमें एक ट्रेंड हम वहां से एनालाइज कर सकते हैं और फिर हम अभी भी निकाल सकते हैं खुद अपना सारा इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस हम इस साल एक्सपेक्ट करें और ये पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज हम उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए अप्रोच करेंगे राइट right? आप अगर हम देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके थर्टी क्वेश्चंस आते हैं और थर्टी मार्क्स के आते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज थर्टी क्वेश्चन इन थर्टी मिनट्स और राइट सो आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से करना है एंड ऑल्सो अगर आपको पता होगा That कैसे क्वेश्चन पहले आए हैं और अभी कैसे एक्सपेक्ट करने हैं तो उससे आपको कोई वहाँ पे सरप्राइज फैक्टर कुछ नहीं होगा एंड यूली और आप बहुत ही कम्फर्टेबल जोन में होंगे राइट right? तो अगर हम देखें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो सबसे पहले है फ्रेंड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी की ये क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं एक पैसेज आपको दिया गया होता है ये आपका पूरा पैसेज नहीं है ये एक जस्ट एक ग्लिम्स मैंने दिया है तो यहाँ पर इसमें दिखाया है कि एक पैसेज होता है और उसके फाइव ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज या कभी कभी होता है कि भी पैसेज के अंदर ही वर्ड्स निकाल कर ऐसे पूछ लिए जाते हैं राइट सो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप तो हमारे पास एस बी का प्रीवियस ईयर पेपर भी है एग्जाम की वेबसाइट पर और बहुत सारे बाकी मॉक टेस्ट भी है जिससे कि अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो ही जाएगी राइट तो आप जस्ट मेक श्योर कि जितने ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो पाए आप प्रैक्टिस करें क्योंकि इनके आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है ये आता ही आता है और राइट नाउ मूविंग ऑन टू एरर डिटेक्शन ये आपका आएगा ही आएगा डेफिनेटली आपको ऐसा गिवन रहेगा कि एक सेंटेंस है इट इज डिवाइडेड इन पार्ट्स और किसी भी एक पार्ट में एरर होगा ठीक है जैसे कि हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन कह रहा है वेन अनदर टोर्नेडोज हिट एन एमेजॉन वेयर हाउस सो एंड सो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जैसे हमने ये यह पढ़ा यहाँ पे यहाँ लिखा है अनदर टोर्नेडोज तो अनदर मतलब एन अदर राइट मतलब एक और दूसरा तो वो केवल एक यूनिट होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे टॉर्नेडो होना चाहिए या तो फिर वेन अदर टोर्नेडोज अगर आप प्लूरल के साथ अदर अदर कुछ ऐसा लगाना चाह रहे हैं तो वो अदर लगता है ऑल राइट और अदर जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही लेगा ठीक है तो so, यहाँ पे एरर कहाँ है ए पार्ट में राइट सो यू विल मार्क ए एज योर आंसर ठीक है अगर ऐसे ही पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है एरर फ्री है तो आप ऑप्शन फाइव नो एरर मार्क करेंगे तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे सारे मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे अब एरर डिटेक्शन के भी बहुत ज्यादा पैटर्न होते हैं पर एक ये पैटर्न है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है और आज तक एग्जाम्स में आता रहा है तो ये पैटर्न तो आपको करना ही करना है और बाकी भी पैटर्न है एक मैंने वीडियो बनाई है कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ एरर डिटेक्शन उसमें कम से कम दस बारह पैटर्न है वो वाली अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न इस पार्ट में से एरर के पार्ट में से आ सकते हैं राइट बट अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है ये वाला आप जरूर करके जाएं, ये तो आपका काफी चांस है इनफैक्ट हंड्रेड परसेंट ये आएगा ही आएगा एरर बेस्ड क्वेश्चन राइट अब आगे देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हर साल आते हैं हर एग्जाम में आते हैं अब वो चाहे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना हो या सेंटेंसेस के पार्ट्स को रीअरेंज करना हो एस बी आई सी बी ओ में बहुत ज्यादा हम लोग डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट करते हैं टाइप uh, से मेरा मतलब है पैटर्न्स। हम लोग बहुत ज्यादा न्यू पैटर्न क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बट वी एक्सपेक्ट कि कन्वेंशनल पैटर्न्स, जो पहले से बहुत चले आ रहे हैं वो आपके आएंगे एंड बट देन उसका लेवल थोड़ा मॉडरेट uh, हो सकता है मतलब बहुत ईजी नहीं रहेगा तो उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें अब जब आपको पैटर्न्स पता है तो प्रैक्टिस करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा सो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऐसे होता है व्हेन यू आर गिवन सम फोर और फाइव सेंटेंसेस एंड यू हैव टू अरेंज दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ये आपको जंबल होके मिले हैं और आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एंड वंस यू हैव द करेक्ट ऑर्डर यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन जैसे पूछा फिफ्थ सेंटेंस बताओ राइट right? अब आप इसको खुद अरेंज करें और देखें कि फिफ्थ पोजीशन में कौन सा सेंटेंस आ रहा है राइट right. अब आपको उस हिसाब से यहां पर वो ऑप्शन चूज करना है राइट right. अब ये इसके आने के चांसेस जैसे मैंने बोला हंड्रेड परसेंट रीअरेंजमेंट आता ही आता है डू नॉट फोगेट ये वाला आपने प्रैक्टिस करना ही है तो एस बी आई सी बी ओ के प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको मिलेगा आई एग्जाम की वेबसाइट में जाए और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं आईबीपीएस uh, पीओ के हैं आईबीपीएस क्लर्क के हैं एसबीआई और भी बहुत सारे तो वहां पे भी आपको ये पैटर्न जरूर मिलेगा बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न जो आता ही आता है राइट right? अब आगे देखिए इसके बाद क्लोज पैसेज अब क्लोज पैसेज कुछ ऐसा दिखता है एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें आपको uh, पांच से छ ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे ओमिट हो रखे होंगे वर्ड्स एंड देन यू हैव टू फाइंड दैट विच वर्ड इज करेक्टली फिट्स द ब्लैंक राइट आप इसको सॉल्व करने के लिए अगेन ये एस बी आई सी बी ओ का प्रीवियस ईयर पेपर है लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन आया था ट्वेंटी ट्वेंटी में सॉरी तो उस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करें हमारी वेबसाइट में ये पेपर एग्जैक्टली अवेलेबल है ऑलराइट नाउ इसके आने के चांसेस आई एम सेइंग सेंगे बिकॉज अब मैं आपको आगे बताती हूं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या है तब मैं बताऊंगी क्यों मैं क्यों बोल रही हूँ एक ब्लैंक होता है और उसके ऑप्शन साइड uh, में दिए गए होते हैं अब इसके आने के चांसेस भी काफी हाई हैं 80 टू 90 परसेंट right? राइट अब या तो आपको क्लोज पैसेज या फिल इन द ब्लैंक्स इनमें से एक ना एक 100 परसेंट आएगा राइट right? सो so, Uh, क्योंकि पहले हमने क्लोज पैसेज देखा है फिलर्स उन्होंने नहीं दिया सो हो सकता है कि थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस करने के लिए इस साल फिल इन द ब्लैंक्स दे दे बट देन आप दोनों की प्रैक्टिस जरूर करें बिकॉज आने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है आएंगे ही आएंगे फिलर्स या क्लोज पैसेज में से एक ऑल राइट right? आप आगे देखें तो वर्ड शॉपिंग के क्वेश्चन है ये हमारे अभी नए पैटर्न के क्वेश्चन है रिसेंटली पिछले दो तीन साल से आना स्टार्ट हुए हैं नाउ अब हो सकता है एस बी आई सी बी ओ वाले चाहें कि नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करें तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसीलिए इनसे थोड़ा अवेयर रहिए बट बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इस पैटर्न से इसके आने के चांसेस मॉडरेट हैं बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल देन आप थोड़ा बहुत आपको पता तो जरूर होना चाहिए कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं सो so दैट आपकी तैयारी उन लाइंस पे रहे राइट नाउ आफ्टर दिस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है दिस इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट बट ये uh, आपका क्या है जब एरर आ जाता है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं देते हैं बट बिकॉज इज अ वेरी वेरी कॉमन पैटर्न यू मस्ट नो आने के चांसेस स्लिम है बट देन स्टिल यू मस्ट नो कि पैटर्न कैसा है एक बार नजर जरूर मारिएगा ठीक है दिस इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसके बाद आपके वोकैबलरी में बेस्ड uh, क्वेश्चन अब चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो या अलग से हो और इडियम बेस्ड क्वेश्चन ये आप प्रैक्टिस जरूर करें एक बार पढ़ लें हमारी क्योंकि आई एग्जाम की, की वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं सो यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ कि किस तरह से आ सकते हैं इडीएम बेस्ड या फ्रेजल वर्ड बेस्ड या वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन तो पता हमें जरूर होना चाहिए राइट right? बस जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर आएगा एरर जरूर आएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट जरूर आएगा क्लोज एंड फिलर्स में से एक जरूर आएगा राइट right? आप उसके अलावा हो सकता है थोड़ा वर्ड दे दे दें दें सेंटेंस इंप्रूवमेंट या बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के दे दे, थोड़ा सा प्रिपेयर रहे बट जो मैंने चार डेफिनेट आपको बोले हैं ये भी आप करके जाएंगे कहीं से भी मतलब इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर पंद्रह से बीस नंबर तो बहुत ही इजिली आ जाएंगे ठीक है बशर्ते आपने प्रैक्टिस कर रखी है राइट right? सो so अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ ऑल एग्जाम्स ऑल मॉक टेस्ट एट आई एग्जाम बी आर एब्सिल्यूटली फ्री जाइए प्रैक्टिस कीजिए एंड देन जब आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे आपको एक थोड़ा टाइमर भी चलता रहता है सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट राइट दैट यू यू आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन द गिविन टाइम राइट सो जाएं प्रैक्टिस करें ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज डू एंड डू प्रेस द बेलाइकन इफ यू वॉन्ट टू रिसीव द अपडेट्स ऑफ ऑल द वीडियोज दैट वी पोस्ट फोर यू